जैसे मेरा जो लास्ट ईयर इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो आई वॉज नॉट सेलेक्टेड, बट उसके 3-4 दिन बाद ही प्रीलिम्स का एग्जाम था। देखिए प्रीलिम्स जितना अनप्रेडिक्टेबल है ना, मेंस उतना ही प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है वो एकदम वेल डिफाइंड है, चाहे आप कोई भी जीएस उठा लो। मेरे हिसाब से तो सिंगल सोर्स ही बेनिफिशियल है, ठीक है, उसी से आपका क्लियर हो सकता है, आप अगर मल्टीपल सोर्सेज पे जाओगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज्ञानेश पल्लव है। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इंटरव्यू अपीयर करने के लिए। मैं फीलिंग जानना चाहूँगा कि जब इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम के लास्ट पड़ाव पे आप होते हैं तो आपकी फीलिंग क्या थी? हाँ, बहुत अच्छी फीलिंग है वैसे ये कि आप इतने सारे कैंडिडेट को बीट करके इतना आगे तक पहुँचते हो। बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि वो यहाँ तक पहुँच सके और इतने बोर्ड मेंबर के सामने बैठ के अपने आप को प्रेजेंट कर सके, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है। और ये तो मेरा दूसरा इंटरव्यू है तो मैं यूज्ड टू हूँ थोड़ा, हो गया। आप अपने बारे में बताएं कि आपका अटेम्प्ट मीडियम और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ से आते हैं आप? मैं पटना बिहार से आता हूँ, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है और सेकेंड इंटरव्यू है। तो मेरा ऑप्शनल जो है वो ज्योग्राफी है। मीडियम आपको? मेरा मीडियम इंग्लिश है। इंग्लिश मीडियम? हाँ, इंग्लिश मीडियम। जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं, एंटर करते हैं, तो पहले वो माहौल से स्टार्ट करते हैं कि कैसा माहौल रहा, क्या बातें चल रही थी, सेकेंड बार ये अपीयर होने जा रहे हैं तो क्या चल रहा था मन में? नहीं, एक्चुअली जैसे हर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता है, वो डिपेंड करता है कि बोर्ड कैसा है आपका, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर जो मेरा बोर्ड था उन्होंने पहले मुझे थोड़ा काम किया, उसके बाद फिर उन्होंने प्रोसीड किया क्वेश्चंस के साथ। लेकिन इस बार डायरेक्ट उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए, मतलब फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट कोर्सेज। सो हर बार अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, वो डिपेंड करता है कि कैसा बोर्ड है आपका इंटरव्यू में। ओके, कितने मिनट के आसपास चला और साथ ही किस लेवल के कैसे क्वेश्चन पूछे गए, अगर बताना चाहें आप? मेरा इंटरव्यू लगभग 30 मिनट्स के आसपास का था और क्वेश्चंस डेप से बहुत कम थे मेरे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस मेरे करंट अफेयर्स से थे, जो भी जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी चल रहा है या फिर सोशल मीडिया, एसटीज वगैरह, जितने भी इन सब इश्यूज चल रहे हैं, जो अब करंट इश्यूज चल रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस था और मेरा ओपिनियन मांगा गया था उन सब इश्यूज पे। क्या है आपका ओपिनियन? आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? मैंने बीटेक करा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी एसएम धनबाद। ओके, आपको लगता है कि इस एग्जाम में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो रहा है मैटर करता है? करता है तो किस लेवल पे और किस तरह से? नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा एग्जाम है जिसमें आपका किस बैकग्राउंड से आते हो वो मैटर नहीं करता। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है। कैसे आपको इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो एकदम सबके लिए बराबर है, सबको इक्वल मेहनत करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसी हिसाब से आप मेहनत करोगे तभी आप और यहाँ तक पहुँचोगे और सक्सेसफुल होगे, मुझे ऐसा लगता है। सबसे बड़ी बाधा प्रीलिम्स है इस यूपीएससी की या फिर सिविल सर्विस की, प्रीलिम्स हो जा रही है, आपकी रणनीति क्या रही है प्रीलिम्स को लेकर? सेकेंड, मतलब दो बार आपने प्रीलिम्स क्लियर किया आई थिंक। प्रीलिम्स देखिए, प्रीलिम्स हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना बेस्ट कैसे कर सकते हैं कि जो भी सिलेबस है आपको अपना सोर्सेस को पहले लिमिटेड रखना है। चाहे आप जो सोर्स फॉलो करते हो आपको उसी चीज़ को कम से कम 4-5 बार रिवाइज करना है। आप चाहे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ो या पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, जो भी पढ़ो आपको स्टिक करना है अपने बेसिक चीज़ों पर, ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करना है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में आपने देखा होगा कि पिछले बार कैसे प्रीलिम्स का पैटर्न पूरा चेंज हो गया है, ठीक है। तो अगर आपका बेसिक और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका सही रहेगा तभी आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे, और वो ज़्यादा जरूरी है। और साथ में आपको मॉक्स देने पड़ेंगे। मॉक्स आप दोगे उस लेवल के, आप यूज टू हो जाओगे एक बार पैटर्न के, तब आप क्लियर कर सकते हो एग्जाम, मुझे ऐसा लगता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूंगा। टेस्ट बुक का ईयरली पास प्रो प्रोग्राम जो है आपको जनरली 1999 में एक्सेस होता है, लेकिन इनके मार्च के ऑफर में मात्र 307 रुपए में एक्सेस हो रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज एक्सेस होती है। इसमें PYQ आपका मॉडल टेस्ट सीरीज, वो सारी आपको यहाँ बगल में दिख रहा होगा, ये एक्सेस होगा। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें आप सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं एंड फुल लेंथ टेस्ट भी आराम से लगा सकते हैं, और ये री अटेम्प्ट भी दे सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। को ऑप्शंस वाइज इसमें बेस्ट एनालिसिस भी दिया जाता है। इनके साथ साथ आप जिस टेस्ट में अपीयर होते हैं उसमें आपकी एक रैंक भी डिसाइड होती है। तो ये आपको लिमिटेड टाइम के लिए सिर्फ ऑफर है 307 तक का। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। ओके, बहुत टॉपर कहते हैं कि आप अपने रिसोर्स को कंसाइज करो, कम करो, सीमित करो, लेकिन बहुत से कैंडिडेट के मन में ये चल रहा होता है क्या वास्तव में स्पेक्ट्रम से मेरा हिस्ट्री हो जाएगा, या फिर विपिन चंद्रा से हो जाएगा, या फिर लक्ष्मीकांत से इनफ है मेरे लिए, ऐसे बहुत से कॉमन डाउट चल रहे होते हैं। वास्तव में आपको लगता है कि सिंगल सोर्स बेनिफिशियल होता है आपके एग्जाम में?
मेरे हिसाब से तो सिंगल सोर्स ही बेनिफिशियल है, ठीक है, उसी से आपका क्लियर हो सकता है। अगर मल्टीपल सोर्सेज पे जाओगे तो आप किसी भी एक सोर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी नहीं कर पाओगे और आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बुक कोई भी उठाना है जिस बुक में आप कंफर्टेबल हो और आपको उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, ठीक है, तभी आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होगा और तभी आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। यही है मेरा। कभी डीमोटिवेशन हुआ इस फील्ड में, या फिर साथ ही अगर आपके फैमिली की बात करें, फैमिली कितना सपोर्टिव रही है और कितना ज़रूरी हो जाता है जब आप इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में बैठे हों, फैमिली कितना मैटर करती है आपकी इस जर्नी में? नहीं देखिए, फैमिली का सपोर्ट तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है पेशेंस का, आपके पास पेशेंस होना चाहिए आपको अगर ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। अब इसके लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे कि यार क्या करना है फ्यूचर में, कैसा होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो मेरे हिसाब से फैमिली का सपोर्ट तो डेफिनेटली बहुत मैटर करता है इस एग्ज़ाम में। ओके, मेंस के डायमेंशन आप अपने ओपन करें कि क्या रणनीति रही, आंसर राइटिंग को लेकर कितना मिनट करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, क्यों करते थे, या फिर मॉडल क्वेश्चन करते थे? देखिए, प्रीलिम्स जितना अनप्रेडिक्टेबल है ना, मेंस उतना ही प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है वो एकदम वेल डिफाइंड है। चाहे आप कोई भी जीएस उठा लो, एकदम वेल डिफाइंड सिलेबस है। आप चाहे पीवाईक्यूज, पिछले साल के पीवाईक्यूज देखोगे बहुत सारे मेंस का, तो आप उस हिसाब से पैटर्न ही बता सकते हो यार क्या क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप सिर्फ आपका जो पास जो सिलेबस है उसको आपको देखना है मेंस में, और उसी का क्रिस्प नोट, शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। और जहाँ तक आंसर राइटिंग का बात रहे, वो मतलब डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट होता है। जैसे अगर आपका राइटिंग स्पीड अच्छा हो तो आप उतना फोकस आंसर राइटिंग में ना करके आप अपने कॉन्टेंट पर फोकस करोगे, लेकिन अगर आपका, मान लो आपका स्पीड कम है या फिर आप लिख नहीं पाते हो, तो आपको दोनों चीज़ों पर ध्यान देना, आपको अपना कंटेंट भी बिल्ड करना और आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है। तो वो डिपेंड करता है कैसा स्टूडेंट का, मतलब क्या स्ट्रेंथ और आपके क्या रही है, कितना मिनट में आप एक आंसर को डिजाइन कर रहे थे, जो 10 नंबर वाला है, जो 15 नंबर वाला, कितना टाइम लगता था? देखिए, आइडियली तो जैसे 10 नंबर वाले के लिए 7 मिनट होना चाहिए और 15 नंबर वाले के लिए 11 मिनट, लेकिन मतलब ऐसा होता है ना कि आप जब मेंस का एग्जाम लिखते हो ना, तो लास्ट में क्या होता है ना कि चाहे आप कैसा भी लिख रहे हो ना, आपका तीन चार क्वेश्चंस बचता है, ठीक है, और वो एग्जाम का प्रेशर कुछ और होता है। बिल्कुल, आपको उस तीन चार मिनट में, तीन चार क्वेश्चंस को आप 15 मिनट में भी लिख सकते हो, ठीक है, वैसा आपका हो जाता है। मतलब ये आपको दिमाग में रखना है कि आप कर सकते हो ये चीज़, आप लास्ट में वो चीज़ मेकअप कर लोगे, आपको बस कंटिन्यू के साथ वो आंसर्स लिखने हैं वहाँ पे जाके। ये डिफरेंस आता है, आप मॉक देते हो तो आप उतना सीरियसली उस चीज़ को नहीं लिखते हो, लेकिन आप जब मेन एग्जाम देते हो तो उसका प्रेशर थोड़ा अलग होता है और वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लिख पाते हो, ठीक है। नोट्स कैसे बनाना है, क्या करना है, सबको पता है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतने तो इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं कि नोट्स में आपकी लिमिटेशंस क्या रही हैं, वो सोर्स क्या रहे हैं, एनसीईआरटी रही है, स्टैंडर्ड बुक रहा है, आपके कोचिंग के नोट्स रहे हैं, या फिर कोई सप्लीमेंट रहा है, क्या है? तो नहीं, मेरा मेजर सोर्स तो मेरे कोचिंग के मटेरियल ही थे, जो मैंने एक बार जैसे फाउंडेशन कोर्स किसी कोचिंग से लिया, फिर मैंने उसी पे अपना बिल्डअप करते गया, जो भी करंट अफेयर्स आता था मैं उसको वहीं पे कंसाइज वे में ऐड करता था, और इसी हिसाब से मैंने उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा, जो नोट्स मैंने एक बार बनाया उसको रिवाइज करा, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर मैंने मॉक्स दिए कुछ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, और तभी जाके न्यूज़पेपर कौन सा यूज किया आपने? न्यूज़पेपर तो जैसे मैं द हिंदू पढ़ता था, और इंटरव्यू के लिए स्पेशली मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ। ओके, आपके मन की कुछ लास्ट बात, जो 2024 में अपीयर होने वाले हैं एज ए सीनियर, या फिर जो भी आपका जूनियर देख रहा हो, जो पहली बार अपीयर हो रहा है, उसके लिए भी मन की बात क्या है कि आप क्या इस जर्नी में चाहिए आप? देखिए, इस जर्नी में सबसे ज़रूरी है पेशेंस, और आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देख के आप हो सकता है डीमोरलाइज हो जाओ कि यार मैं इतना अच्छा हूँ, चाहे सीसेट का भी पेपर आप देखो कि बहुत टफ आने लगा है, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना है, आपको घबराना नहीं सबसे पहले बात, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, सबके लिए वो पेपर इक्वली टफ है, आपके लिए सिर्फ नहीं टफ है, अगर सीसेट टफ आ रहा है तो इक्वली सबके लिए टफ आ रहा है, अगर ऐसा पैटर्न चेंज हो रहा है तो वो सबके लिए चेंज हो रहा है, आपको बस वहाँ जाके अपना बेस्ट दे कर आना है, आपको आपको अपने आप पे भरोसा करना, ट्रस्ट करना कि हाँ यार मैंने पढ़ा है और मैं वहाँ जाके कर सकता हूँ ये चीज़, तो फिर आप कर लोगे वहाँ जाके, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। आप जैसे मेरा जो लास्ट ईयर इंटरव्यू का रिजल्ट आया, तो आई वॉज नॉट सेलेक्टेड, बट उसके तीन चार दिन बाद ही प्रीलिम्स का एग्जाम था, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट यार मैं एक बार निकाल चुका हूँ तो दूसरी बार निकालूंगा, और मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैंने पढ़ा है वो चीज़, तो बस अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो आप जरूर निकाल लोगे प्रीलिम्स का एग्जाम। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट सर, मैं उम्मीद करूंगा कि ये अटेम्प्ट भी आपका लास्ट हो, और जब अगली बार मिले तो आप प्रॉपर लिस्ट में आए और आईएएस बने। होप गाइस वीडियो वैल्यूएबल लगी, कैसी लगी कमेंट करके बताएं, कोई क्वेश्चन छूट गया हो वो भी कमेंट करें, ताकि मैं अगले कैंडिडेट टॉपर से पूछ पाऊँ। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू।